नमस्कार जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फाइनली कक्षा नौवीं जो है आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर जो है असली पेपर फाइनली मिल चुका है। आपका जो है यहाँ पर 75 पूर्णांक और तीन घंटे का समय रहेगा। बहुत समय के बाद जो है फाइनली आपका पेपर मिल ही गया। यहाँ पर आप सभी लोग निर्देश अच्छे से देख सकते हो और आपको निर्देश में हर चीज़ पढ़ना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितने वर्ड में मिलता है। फाइनली अभी अभी मिला आपका असली पेपर जो है, सुबह सुबह पूरा का पूरा पेपर रट लो और यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक ना। परीक्षा देने से पहले एक बार जरूर देखें अगर कक्षा नौवीं का आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर चलिए विद्यार्थियों, इसका PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाना है और वहाँ पर जो है आप सभी को इसका PDF भी मिल जाएगा। चलिए विद्यार्थी यहाँ पर फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए विद्यार्थियों स्टेप बाय स्टेप करके सारे क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपका रहेगा, आप पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेना, दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेना, तीसरे का राइट आंसर है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल का योगफल या अंतर की एक संख्या होगी। तो यह आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या लगा लेनी। अगला है आपका एक घनाभ के में कितने फलक होते हैं उसको बताना है, तो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर लगा लेना है बी, 6 फलक होते हैं। अगला चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। तो विद्यार्थी यहाँ पर चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर है 4/5 1/5 का जो है यहाँ पर योग होगा, तो इसका राइट आंसर लगा लेना है आपका, क्या लगाना है ऑप्शन नंबर आपको ए लगा लेना, आपका 4 हो जाएगा। अगला देखेंगे आपका यहाँ पर क्या है आपका 28 × 21 बराबर डॉट डॉट आपका यहाँ पर क्या होगा, बराबर ही बताना है। इसके बाद 42 कर देंगे तो आपका जो है राइट आंसर कितने आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना, आपका 14 हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों इस प्रकार से आपका जो है एक सब देखभाग आपका जो है सही आपका यहाँ पर विकल्प कंप्लीट हो चुका। आप देखेंगे रिक्त स्थान अगला, आई होप कि समझ आ गया होगा अच्छे से। जो है अभी अभी मैंने फोटो लिया है इस पेपर का, तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो, आपके कॉपी के बंडल पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर चलिए आपका अगला देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देख सकते हो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। तो यहाँ पर आपका जो है शून्य बहुपद की घात जो है परिभाषित नहीं। चलिए अगला देखेंगे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 2/π जो है डॉट डॉट संख्या है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर लिखना है अपरिमेय संख्या है। अगला देखेंगे आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ए अंश जो है का मान डॉट डॉट होता है तो कितना होता है बताना है, तो आपका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका बहुपद px बराबर 2x+5 का शून्यक बताना है, तो इसका राइट आंसर -5/2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा -3 यहाँ पर हो जाएगा, फिर आपका आपका कोष्टक -1 कोष्टक बंद -4 -2 बराबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको बता देनी है, तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अगला है आपका बहुपद 4x+3x² + 5x में x² का गुणांक डॉट डॉट है, तो इसका राइट आंसर आपको 3 लगा लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है आपको। चलिए स्टेप बाय स्टेप करके इस क्वेश्चन का भी आंसर जानेंगे। तो पहले का लगाना है F लगा लेना, दूसरे का लगाना है आपको तो दूसरे का A लगा लेना, तीसरे का क्या लगाना है तीसरे का लगाना है आपको E लगा लेना, चौथे का लगाना है तो चौथे का लगाना है आपको तो D लगा लेना, पांचवे का लगाना है तो पांचवे का लगाना है तो C लगा लेना, छठवें का लगाना है तो B लगा लेना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपका जो है सही जोड़ी का मिलान हो चुका। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अगला देखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर भी जान लेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होने वाला है,
यहाँ पर है रैखिक बहुपद जो है कितने शून्यक होते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रैखिक बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। अगला देखेंगे आपका यहाँ पर है 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार से होगा, तो आपका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार का होगा, तो आपका 7 राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए देखेंगे आपका है ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक 0 हो, तो ये आपका हो जाएगा शून्य बहुपद। चलिए विद्यार्थियों अगला देखेंगे आपका 8752 में संख्या 5 का जो है स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। अगला देखेंगे आपका यहाँ पर है 61+6 का शेषफल का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 होगा। अगला है 1 व 2 के बीच जो है एक परिमेय संख्या लिखना है, तो आपका हो जाएगा 3/2। अगला देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ पर सत्य सत्य की पूर्ति करना है, तो एक रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ये भी आपका जो है घन पूछा है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला है शंकु का बेलना का ठोस आकृति होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला है आपका यहाँ पर सड़क नहीं, आपका असत्य हो जाएगा, शंकु बेलना का नहीं होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर है साइक, यहाँ पर है साइक बनाने का प्रयोग जो है रोलर की पहिया का एक बेलनाकार आकृति है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला है प्रत्येक बहुपद जो है द्विपद होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला देखेंगे -5/-2 छोटी किंतु -8 बड़ी है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपका जो है यहाँ पर 1 से 5 तक का सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, इसका PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। चलिए विद्यार्थी यहाँ पर देखेंगे आपका जांच करना है आप सभी को कि यहाँ पर क्या पहला आपका -2 है, फिर माइनस और आपको 2 बहुपद है, यह है x+2 के शून्य क्या नहीं, तो इस क्वेश्चन को देख लो। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा विद्यार्थियों, ये हो जाएगा फिर आपका 8वां क्वेश्चन। फिर 9वां देख लो, फिर क्या शून्य के एक परिमेय संख्या है, या इसे आप पी या क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको सूत्र बताना है। 2 ऐसी 2 परिमेय संख्या जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी या आवर्ति हो, इसको बताना। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां देख लो, 11वां देख लो, फिर 12वां देख लो, 13वां देख लो, 14वां, फिर 15वां देख लो। इस प्रकार से चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए विद्यार्थियों यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आपका 16वां यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताना है ठीक ना। यहाँ पर क्या ये √3 सही एक जो है √7 का हर परिमेयकरण करना होगा। फिर आपका अगला देखेंगे अपने अपने आसपास स्थित कोई 4 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखना और चादे की सहायता से 45 डिग्री और 75 डिग्री कोणों की रचना करना। 3 सेंटीमीटर जो है कि रेखाखंड की जो है रचित है, और यहाँ पर लंबाई जो है विभाजित कीजिए, फिर 1/7 और 2/7 के बीच जो है 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। ऐसी संख्या है जिनके दशमलव प्रसार जो है असनवसानी अनावर्त हो। इस प्रकार से आपका चलिए अगला 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए विद्यार्थियों आपका देख लो, फिर आपका 21वां क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, फिर आपका यहाँ पर 22वां क्वेश्चन देख लो, फिर आपका 23वां क्वेश्चन। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको जो है 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करके समझा दिए। आई होप को अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी डाउट है कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए विद्यार्थियों इस प्रकार से इस वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।